तो बड़ा आज हम लोग क्लास 10th की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर साइंस के जो चैप्टर्स अभी टर्म 1 नवंबर में होने वाले हैं उनको मैं एक एक लेक्चर के अंदर वन शॉट में जो है वो खत्म करने वाला हूँ। जितना सारा मटेरियल एज पर द लेटेस्ट सिलेबस गाइडलाइंस है, मैं उस हिसाब से जो है वो इसको टेकअप करूंगा। तो प्लीज आज हम लोग जो है वो देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास इस अर्थ के ऊपर अभी तक जो है वो 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो गए हैं, जिसमें से अराउंड 90 एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हो जाते हैं, और जो बाकी बचे हुए 22 एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, मेटल्स जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, लेड, मरकरी, आयरन, निकल, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सारे के सारे जो है वो हम लोगों के पास जो मेटल्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। और उसके अलावा बेटा जो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो नाम सुने हुए हैं आपने वो नॉन मेटल वाली कैटेगरी में जो है वो आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग एक्सेप्शंस वगैरह सारी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन टेक प्लेस करता है, कौन कौन नहीं करता, सब डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद बेटा ये आता है, डिफरेंस क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में? मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब मेटल्स के अंदर क्या होती है, चमक होती है। चमक जो है मतलब क्या होता है, क्योंकि ये लाइट को जो है जो इसके सरफेस के ऊपर फॉल करती है, थोड़ा उसको रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर शो करते हैं, तो इसलिए ये लस्ट्रस जो है वो दिखते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली लस्ट्रस नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल जो है उसको हम लोग खींच के पतली पतली वायर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1 ग्राम गोल्ड अगर मैं लूं तो उसको मैं 2 किलोमीटर तक जो है वो स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि मेटल्स जो है उसको हम लोग वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, मेटल डक्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इनके अंदर जो है वो मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से जैसे देख लो, ये एक लेयर है मेटल्स की, ठीक है, एटम्स की, ये दूसरी लेयर है मेटल के एटम्स की। जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, स्लाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। यही सेम रीजन की वजह से मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिलती है, वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब है कि मेटल को जो है हम लोग बीट करके शीट्स में, पतली पतली शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को हम लोग शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब आप देख लो घरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, वायर्स हैं, सब जो है वो मेटल्स से बनी होती हैं। तो मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं। मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, या कई बार नॉन सॉलिड्स वाले कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन होगी वो गैसियस फॉर्म में है, नाइट्रोजन होगी वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिल रही होती है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल से मिल रही होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स बोल देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, तो ये सारे के सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो बेटा देखो, अब बात करेंगे हम लोग एक्सेप्शंस की। तो मेटल्स के अंदर कौन कौन सी एक्सेप्शंस है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, सोडियम पोटाशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम लोग नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। सीजियम और गैलियम को अगर आप अपने हाथ पे तली पे रख दो तो ये जो है वो मेल्ट कर जाते हैं। तो सीजियम गैलियम जो है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है। गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा कंडक्टिव होते हैं, ठीक है, जबकि कॉपर और मरकरी जो है वो कंपैरेटिवली काफी पुअर कंडक्टर जो है वो माने जाते हैं, एज कंपेयर टू अगर मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूं। ठीक है, तो आगे देखो, एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो नॉन मेटल्स यूजुअली हमारे पास लस्ट्रस नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, लस्ट्रस वाली कैटेगरी में चला जाता है। और डायमंड जो है जो कि एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉप का मतलब है कि फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है और लस्ट्रस है। यूजुअली नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा हार्ड वाली कैटेगरी, इवन वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ है। ठीक है, ग्रेफाइट ऐसी फॉर्म है कार्बन की, मतलब एलोट्रॉप का मतलब ऐसी फॉर्म है कार्बन की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, और ग्रेफाइट जो है
वो उसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यूजुअली नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई जो है वो रहता है। तो यूजुअली एक्सेप्शन से 1-1 मार्क का, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव वाली कैटेगरी के अंदर चीजें लाई करने वाली हैं, तो 1-1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में इन पैराज में से जो है वो आ सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मेटल का जो है रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं, ठीक है। तो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बेटा आप याद रखो मोस्टली सब जगह पे जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और साथ में जो है वो बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन को मैं कुछ कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्या कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसके लिए आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास एक रहती है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या चीज है बेटा, देखो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सबसे ऊपर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, उसके बाद टिन, लेड। तो ये जो है हमने क्या अरेंज कर रखे हैं, मेटल्स अरेंज कर रखे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस चीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारे पास यहाँ पे, रिएक्टिविटी का जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव है ये वाला जो है, और ये यहाँ पे जो है इस वाले के अंदर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव वाली कैटेगरी में आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है इसको याद कैसे करना, देखो पोटाशियम पै सोडियम सुम पैसुम का माल जिंक आयरन टिन जीत, जिंक आयरन टिन, तो ये क्या है जीत ले, तो क्या इसकी पैरोडी बन गई पैसों का माल जीत ले। तो पैसों का माल जीत ले में बेटा जी ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव, ये थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव है, और ये थोड़ी कम रिएक्टिव जो है वो आ जाते हैं। इसके आगे भी ये सीरीज खत्म नहीं हुई, इसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्ड, और फिर क्या प्लेटिनम। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर मैं वाटर से रिएक्शन की बात करूं बेटा जी, तो आप ये समझ लो ये नीचे वाले जो है वो मोस्टली रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हाँ ये जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वाटर के साथ रिएक्शन में शो करते हैं। अब कौन कौन सा क्या क्या प्रोडक्ट्स जो फॉर्म कर रहा है, अब ये मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मैं इन चीजों को जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर मैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करूं तो बेटा जी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गया, वो हमारे पास कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और इनकी रिएक्शन इतनी ज्यादा वायलेंट और एक्सोथर्मिक होती है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है वो एकदम से आग पकड़ लेती है, ठीक है। अब जैसे देखो सोडियम और वाटर जो है वो क्या बना रहे हैं, NaOH बना रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन और हीट रिलीज हो रही है। सेम काम पोटेशियम जो है वाटर के साथ, KOH और हाइड्रोजन और हीट रिलीज हो रही है। तो ये देख लो यहाँ पे मेटल का क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट जो है वो रिलीज होगी। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि ये इवन कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। अब मैं अगर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करूं तो कैल्शियम की जो रिएक्शन है वो सोडियम पोटाशियम जितनी वायलेंट नहीं होती, मतलब उसमें आग नहीं लगती है, लेकिन जो है हीट एवोल्ड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ ले। और कैल्शियम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि कैल्शियम जो है इसको ना आप ऐसे समझो, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक बीकर है, इसमें मैंने छोटे छोटे पीसेस जो है वो कैल्शियम के डाल दिए, और साथ में जो है वो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये समझ लो मैंने वाटर जो है वो इसमें डाल दिया, ठीक है। तो जैसी कैल्शियम इसके अंदर जाएगा तो कैल्शियम और वाटर मिल के बेटा जी हमारे पास क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है, और साथ में क्या बनना है, हाइड्रोजन बनना है। अब सबको मालूम है कि जब भी यहाँ पे जो है वो हमारे पास गैस रिलीज होगी तो छोटे 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 बबल्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो क्या निकलेंगे, बाहर की साइड पे जो है वो निकलते रहेंगे बबल्स। और बबल क्या करते हैं बेटा जी, जो बबल निकल रहा होता है, मान लो ये बबल है हमारे पास, ये जो बबल निकल रहा है ये क्या करता है, कैल्शियम को सराउंड कर लेता है, और कैल्शियम के साथ सराउंड करके कैल्शियम को ऊपर ले आता है। तो कैल्शियम जो है थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इस सरफेस के ऊपर बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाता है, और यहां पे क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है इन बबल्स के अंदर फ्लोट करके कैल्शियम जो है वो सरफेस पे आके जमा हो जाता है। यही सेम प्रॉपर्टी जो है बेटा जी
हमारे पास मैग्नीशियम भी शो करता है। आई होप ये क्लियर है। तो आप देख लो यहाँ पे कि मैग्नीशियम भी जो है वो हम लोगों के पास क्या फ्लोट करता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। और क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो उसके सरफेस से स्टिक कर जाती है। और यहाँ पे भी सेम कैटेगरी है, क्या मेटल है प्लस वाटर है, हमारे पास क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। तो देखो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर रहे थे, थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव जो थे वो थोड़ा वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर रहे थे। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो बेसिकली हम लोगों के पास किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो इसके अंदर ना थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, स्टीम से रिएक्ट करके ये मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में जो है वो चेंज होते हैं, हाइड्रोक्साइड बनने का टाइम जो है वो इसके अंदर नहीं मिलता, ठीक है। तो आप ना इस रिएक्शन को ऐसे समझो, जैसे देख लो यहाँ पे एल्यूमिनियम है बेटा जी हम लोगों के पास, हमने यहाँ एल्यूमिनियम ले लिया और इसको अंदर जो है हमने क्या डाली, स्टीम डाली, क्या बनेगा Al2O3 प्लस साथ में क्या हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे ऐसे ही मान लो आयरन है, आयरन को जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे Fe3O4 प्लस साथ में कौन सी गैस जो है वो रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। अब देखो वाटर जब हम लोग नॉर्मल स्टीम नहीं यूज कर रहे थे तो उसमें ये हाइड्रोक्साइड्स में चेंज हो जाते थे, मतलब मेटल का ऑक्साइड, जैसे मान लो सोडियम है, मान लो पहले यही बना है लेकिन वाटर क्योंकि एक्वस प्रेजेंट था तो ये किसमें चेंज हो रहे थे, NaOH में चेंज हो रहे थे, ठीक है। सेम काम जो है वो K2O को अगर पानी में डाल रहे थे हम लोग तो ये KOH में चेंज हो रहे थे, इसीलिए वहां पे मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था। जबकि इस केस में स्टीम है, कुछ इस तरह का एक्वस सॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं होता तो ये ऑक्साइड वाले स्टेप पे रुक जाती है रिएक्शन। और यहाँ पे हमारे पास Al2O3 और Fe3O4 का जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। आई होप ये क्लियर है। बट इसमें एक पॉइंट है बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला, वो क्या कि ये Fe3O4 कैसे बन रहा है, क्योंकि हमारे पास आयरन की जो वैलेंसी है वो तो 2 है या 3 है। तो आप ये देखो FeO, एक बार आयरन की वैलेंसी 2 लगा के मैं कंपाउंड बना रहा हूं तो कंपाउंड क्या बना FeO, कॉमन रेशियो ले लेते हैं इसमें। एक बार मैं आयरन की वैलेंसी 3 लगा के कंपाउंड बना रहा हूं तो Fe2O3 बन गया। तो बेटा जी ये Fe2O3, ये एक्चुअली Fe3O4 जो है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है, इन दोनों को मिक्स करके बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मतलब कुछ अमाउंट FeO का और कुछ अमाउंट Fe3O2O3 का बनता है, जिसको हम लोग नॉर्मली जो है वो 50-50% दोनों वैलेंसी शो कर रहा है और हम लोग इसको Fe3O4 बोल देते हैं। आइडियली देखा जाए तो Fe3O4 में आयरन की जो वैलेंसी है मतलब ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी तो होती नहीं है, ना ही इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपाउंड बन कैसे रहा है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स जो है वो इसी तरीके से हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। बेटा जी लास्ट रिएक्शन है वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोजन सॉरी ये सिल्वर गोल्ड लेड ये जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, इसके नीचे की सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी रिएक्ट जो है वो नहीं करते हैं। कई बार ना ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा ये इसी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है कि मान लो हमें बॉयल कर रहे हैं किसी चीज को तो वो स्टील से क्यों नहीं फॉर्म करते हम लोग, जो बॉयलर्स है उसको हम लोग कॉपर वगैरह से क्यों फॉर्म करते हैं, स्टील से क्यों फॉर्म नहीं करते, क्योंकि देखो स्टील के अंदर जो मेजर कंटेंट है वो आयरन है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स करके हम लोग स्टील का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आयरन तो स्टीम से रिएक्ट कर जाता है। मान लो बॉयलर है उसके अंदर स्टीम रिलीज हो रही है, स्टीम तो आयरन से रिएक्ट करके खराब कर देगी उसको, इसलिए हम लोग बॉयलर्स वगैरह को स्टील से नहीं बनाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन की वजह से जो है ये इस तरह से मतलब हम लोग ये जो नहीं करते, तो इनको हम लोग बॉयलर्स वगैरह को कॉपर से या और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से, यूजुअली कॉपर ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा चीप और कंपैरेटिवली अब गोल्ड से तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, तो कॉपर अवेलेबल रहता है तो यूजुअली कॉपर से जो है वो हॉट वॉट बाथ टब्स वगैरह इस तरह की टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद जी बात करते हैं हम लोग आगे बेटा, इसके अंदर आएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से यहाँ पे करके बताता हूँ, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ने HCl से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा NaCl बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिमिलरली देख लो मैग्नीशियम है, ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है MgCl2 बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। कोई सा भी ले लो, यहाँ पे H2SO4 ले लो, ये क्या बनाएगा CaSO4 बनाएगा प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हर केस में जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो इसीलिए मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर भी बेटा एक्सेप्शन से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी है इसके अंदर कि अगर मैं किसी भी मेटल को साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके, नाइट्रिक एसिड के, मिनरल एसिड में मैं नाइट्रिक एसिड ले रहा हूँ, तो इस केस में जो है वो MgNO3 तो बन रहा है लेकिन हाइड्रोजन गैस की जगह यहाँ वाटर फॉर्म हो जाता है। रीजन क्या है इसको ध्यान से समझ लेना, जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है ना ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है वो काम कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने की वजह से, यहां एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही होती है उसको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके किसमें चेंज कर देता है, वाटर में चेंज कर देता है। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होती है। तो अपने दिमाग में बिठा लो कि मेटल्स यूजुअली एसिड्स के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में जो हाइड्रोजन है वो खुद ऑक्सीडाइज होके वाटर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं बन रही, हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन रिलीज एंड इट सेल्फ रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो खुद जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे NO2 साथ में बन जाती है कहीं पे। ठीक है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। लेकिन 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 एक और चीज है, अगर हम लोग मैग्नीशियम और मैंगनीज को एक डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे नाइट्रिक एसिड पे लें तो इन केसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। तो मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, मेटल्स यूजुअली एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, वो वाटर में चेंज हो जाती है, और जो नाइट्रेट है वो खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है। N2O भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। दूसरी चीज बेटा जी आपको अपने दिमाग में रखनी है वो क्या, कि मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस का रिलीज करते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एक एक्वा रिजिया जो है ये क्या होता है, इसको रॉयल वाटर भी बोल देते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 को 3:1 के अंदर अगर बेटा मैं ले रहा हूं तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया बोलते हैं। तो देखो बेटा यूजुअली हमारे पास जो लास्ट में मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये यूजुअली एसिड्स बेसिस, किसी का इस पे अटैक नहीं होता, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिव है। लेकिन ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इवन गोल्ड के साथ भी जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, इवन प्लेटिनम के साथ भी जो है वो इस तरह के फॉर्मेशंस जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास ये भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स सच एज गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर देता है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, तो एयर के अंदर बेटा जी देख लो दो चीजें प्रेजेंट है, या तो एयर में नाइट्रोजन से रिएक्ट करने वाला है या एयर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला। तो देखो नाइट्रोजन से कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, तो ये कॉमन सेंस है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाने वाला है, और बाकी ये सारा खेल इसकी वैलेंसी का है, MgO है 2211 तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ऐसी मान लो सोडियम ऑक्साइड है वैलेंसी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2O जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारा का सारा वैलेंसी का गेम है कि बनेगा क्या इसके अंदर ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड यूजुअली याद रखो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अभी बेसिक नेचर के कैसे होते हैं ये भी समझ लो, जैसे मान लो Na2O है, इसको वाटर में डाल दो क्या बना रहा है, ये देखो NaOH बना रहा है। अब जब मेटल का ऑक्साइड वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सब जानते हैं कि OH नेगेटिव तो बेस है, तो यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव रिलीज करने वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हम लोग मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोल देते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो लिए गए हैं, MgH2O, MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम के केस में बन जाएगा MgOH2, कैल्शियम के केस में CaOH2, सोडियम के केस में NaOH, पोटाशियम के केस में KOH, तो इस तरह के सारे कंपाउंड्स जो है फॉर्म होते रहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है, वाटर में डाल दो तो ये नाइट्रिक एसिड वाली कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है, सिमिलरली SO3 है वाटर में डाल दो तो ये H2SO4 वाले कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में डाल दो तो ये कार्बोनिक एसिड्स जो है वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जो भी हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ये हो ये हो ये हो, इनको यूजुअली वाटर में डिजोल्व करके हमारे पास एच पॉजिटिव रिलीज करने वाले कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एसिडिक इन नेचर बोल देते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आप दिमाग में बिठा लो कि मैग्नीशियम और लिथियम दो इकलौते ऐसे एलिमेंट्स हैं, जब रिएक्शन एयर के साथ होती है
तो ये नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन जो है ये कर रहे हैं। नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं देख लो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी 3, तो यहां पे क्या बन रहा है Mg3N2। सिमिलरली लिथियम बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के जैसी शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से, ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या बन गया, Li3N जो है वो फॉर्म हो गया, तो ये नाइट्राइड्स जो है वो हमारे पास इस जगह पे फॉर्म हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आगे वाली, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है वो बोल देते हैं। तो बेटा देखो एम्फो का मतलब है जिसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज जो है यूजुअली शो होती है। जैसे आपने एम्फीबियंस सुना होगा, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और हवा में भी रह लेते हैं, तो डुअल नेचर जो शो कर रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल देते हैं। अब डुअल नेचर से मतलब क्या है कि ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, AO लिख रहा हूँ, ये जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब अगर ये रिएक्शन हो रही है तो यूजुअली कौन एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, वो है बेस। तो इसका मतलब इस जगह पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो बेस एक्ट कर रहे हैं। ऐसी देख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो बेस से रिएक्ट करके भी जो है हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या एक्ट कर रहे हैं, एज ए एसिड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अपने दिमाग में बिठा लो, मैं आपको ये रिएक्शंस जो है यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो Al2O3 है और HCl है, इस केस में क्या बनेगा, AlCl3 प्लस वाटर। बैलेंस कर लेना इसको, Al2O3, HCl, AlCl3 और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सबको मालूम है, और ये सॉल्ट है, और ये यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ पे बेस एक्ट कर रहा है। ऐसी देखो Al2O3 हमारे पास NaOH से अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा तो ये NaAlO2 का फॉर्म करेगा, और साथ में क्या फॉर्म करेगा, वाटर। अब ये भी सॉल्ट है, ये बेस है, तो इसका मतलब ये क्या एक्ट कर रहा है, एज एसिड एक्ट कर रहा है। मतलब एसिड के सामने ये बेस एक्ट करता है और बेस के सामने ये एसिड एक्ट करता है। ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है वो बोल देते हैं। अब इसमें ये वाले कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेना ध्यान से, इनको लर्न कर लेना। AlCl3 बनेगा तो NaAlO2 जो है वो इस जगह पे फॉर्म होगा। एक और ऐसा ऑक्साइड है जो इसी तरह की नेचर को शो करता है, दैट इज जिंक ऑक्साइड। मान लो ये मैं एसिड से रिएक्ट करवा रहा हूं, तो यहां बन रहा है ZnCl2 प्लस वाटर, ठीक है। और ऐसी मान लो इसको मैं किससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, बेस से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, Na2ZnO2 प्लस यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। अब इसको लर्न कैसे करना है देख लो, ना जानो ना जानो ना जानो फॉर्म होता है यहाँ पे, और वाटर जो है वो साथ में बन रहा है। देखो एसिड की प्रेजेंस में ये क्या एक्ट करेगा, एज ए बेस एक्ट करेगा, और बेस की प्रेजेंस में ये क्या एक्ट करेगा हम लोगों के पास, एज ए एसिड एक्ट करेगा। इसीलिए इसको भी हम लोग कौन सी कैटेगरी में शामिल कर देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल कर देते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शंस मैंने डिस्कस कर ली, बाकी बेटा आगे देखो इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या कि सोडियम पोटाशियम को हम लोग कैरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर हवा में रखेंगे तो हवा के अंदर जो मॉइस्चर और एयर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और ये जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखो एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और मैग्नीशियम के ऊपर ना ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जो उसको फर्दर कोरोजन से बचाती है। इसका मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई मेटल का पीस है, हुआ क्या जब ये मेटल हवा में था तो इस मेटल ने हवा के अंदर जो है वो रिएक्ट करके ऊपर एक लेयर को फॉर्म कर लिया इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इसका जो आउटर सरफेस था वो एयर के कांटेक्ट में आया, आउटर सरफेस एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से इसका आउटर सरफेस जो है वो रिएक्ट कर गया। अब यहाँ पे किसकी लेयर फॉर्म होगी, मान लो Al2O3 है तो Al2O3 की मैग्नीशियम है, तो MgO की जिंक है, तो जिंक ऑक्साइड की कॉपर है, तो कॉपर ऑक्साइड की। अब देखो हुआ क्या, ये जो फर्दर इसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, अब इसका डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक टूट गया, क्योंकि इसके बीच में एक लेयर आ गई जिससे वो फर्दर करोड नहीं होगा, क्योंकि इसका कोरोजन की वजह है पानी और एयर। अब दोनों का ही लिंक टूट चुका है क्योंकि इसका लेमिनेशन हो गया। मतलब आप इसको सिंपल भाषा में समझ लो तो इसका एक लेमिनेशन जो है वो हो चुका है हमारे पास, जिसकी वजह से अब इसका एयर के साथ कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। एयर के साथ साथ कॉन्टेक्ट खत्म होने की वजह से अब ये फर्दर करोड नहीं करेगा। तो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ये वाली प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो आप देख लो एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, मैग्नीशियम है, और जो फर्दर कोरोजन से इसको प्रिवेंट करता है। और सिल्वर गोल्ड जो है वो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, इवन हाई टेम्परेचर पे भी आप बात कर लो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स क्या है। इट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल है बेटा जी इसको समझना। मान लो मेरे पास एक मेटल है सोडियम, सोडियम की वैलेंसी है 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है।
ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम क्या बन रहा है, Na पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सिमिलरली देख लो क्रोलीन का एटॉमिक नंबर है 17, 287, इसको क्या एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, हमारे पास Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो अब देखो जो सोडियम पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बना, ये दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सबको मालूम है अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। या आप दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे समझ लो कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को लूज कर दिया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लूज किया, तो इसमें क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, जिससे जो है हमारे पास क्या बन रहा है, NaCl जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड जो है वो बोल देते हैं। तो जितने भी यूजुअली सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं, जैसे MgCl2 हो गया, KCl हो गया, ठीक है, ये यूजुअली हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर ही क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है बेटा। और एक चीज आप बताओ, अपने दिमाग में बैठा लो कि जो ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब एटम्स के बीच में, जिससे ये ना तो ब्रेक करते हैं इजिली, ना मेल्ट करते हैं, ना बॉयल करते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक जो है वो हीट करना पड़ता है मेल्टिंग बॉयलिंग के लिए, और ये यूजुअली क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने सॉल्ट्स वगैरह यूजुअली देखे होंगे। पानी के अंदर जो है ये सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे, जैसे कैल्शियम हो गया, टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरह के सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वाटर जो है, वाटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है इनको तोड़ के जो है वो ब्रेक कर देता है, जैसे मान लो NaCl मैंने पानी में डाला तो वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक कर देता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर वो वाली पावर नहीं होती, इसलिए वो डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। ये ब्रिटल रहते हैं, यूजुअली नीचे गिर जाए तो टूट जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एक प्राइम रिक्वायरमेंट है, वो क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर फ्री चार्जेस जो है वो अवेलेबल होते हैं, ये यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यूजुअली अगर हम इसको हीट कर देंगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक, तो NaCl मेल्ट कर जाएगा, तो हमारे पास जो है वो एक मोल्टन स्टेट के अंदर ये चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये लाइट जो है वो कंडक्ट करेंगे। बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखो, मैंने सोडियम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर है 11, इसका 17, 281, 287, वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी भी हमारे पास कितनी है, यूजुअली 1 है, आई होप ये क्लियर है। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है ध्यान से देख लेना, मैं यहां फॉर्म करके बता रहा हूं आपको। देखो बेटा जी, सोडियम के आउटर शेल में 281 था ना, सोडियम आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जबकि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर शेल में जो है वो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है बेटा जी, यहाँ पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर जो है वो ट्रांसफर कर देता है इधर, और इसके बाद क्या हो रहा है, देखो बेटा यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास अपने हैं, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम का गेन कर लिया, और इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर जो है वो गेन कर लिया, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। जबकि सोडियम बेटा जी, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप यूजुअली जैसे मान लो आप, ये मल्टी कलर पेन से मैं कर रहा हूं, अगर आपको दिमाग में है कि ये हम पेपर में कैसे बनाएंगे, ये आ जाते हैं अगर, तो आप ये देख लो, तो बेटा जी इसको क्या करना है आपको, इसकी जगह आप यहाँ पे क्रॉस लगा देना इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए, यूजुअली जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक क्रॉस लगा दो, तो यहाँ पे क्रॉस से जो है इलेक्ट्रॉन हम लोग शो कर रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा, मैं एक और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, दैट इज MgCl2। तो क्लोरीन क्लोरीन दो बार यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना जरा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के आउटर शेल में, बेटा जी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन के आउटर शेल में मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी यहाँ पे भी क्लोरीन के आउटर शेल में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। एक एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम, उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है 12 है, दैट इज 2,8,2। अब होगा क्या बेटा इसके अंदर, देखो जरा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा,
और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको यहाँ पे डोनेट करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, अब इसकी वजह से क्या होगा मैं यही ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का, ये भी मैग्नीशियम का, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, और मैग्नीशियम जिसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, MgCl2 कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो मैंने कैसे पेपर में आपको शो करना है। ठीक है, मैंने प्रॉपरली जो है यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, या पेपर में सारा जो है वो ड्रॉ कर देना, इसकी वैलेंसी कितनी थी, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने एक गेन किया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर चला गया, और हमारे पास ये जो है वो फॉर्म हो गया। अब देखो मैंने अलग अलग शो किया था यहाँ पे, तो आप जो है इनको इकट्ठे एक साथ भी लिख सकते हो टू करके, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब, लेकिन उसमें चार्ज जो है वो अंदर डाल देना, याद रखना चार्ज यहाँ मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव वाले दो हैं, तो ये दो चार्ज जो है यहाँ पे हो गया। ऐसे एक बार सोडियम वाला देख लो, इनकी हमने वैलेंसीज वगैरह लिख दी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह लिख दी आयंस की, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर आ रहा है, तो इसको अंदर जो है वो लिख दो। तो आप यूजुअली ये काम करो, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर ही लिख दो। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप एज इट इज एनसीईआरटी की तरह ही जो है इसको कर। तो बेटा जी, आई होप आपको ये क्लियर है। तो बहुत जल्दी में मैंने जो है ये वाला टॉपिक वन शॉट के अंदर कवर अप कर दिया, तो ये वो बच्चे जो बार बार इसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो 30-35 मिनट्स के स्पैन के अंदर ये सारा आपका मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है। तो आपको अगर मेरी वीडियोज ये वाली पसंद आ रही है, तो 10th की बहुत सारी और ऐसी सीरीज आने वाली है, तो 10th के बच्चे प्लीज मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।